Hello friends, welcome to Vanik Smart Class. This is Tapan Sir, the faculty in English. Mind your friends, we face confusions when one thing acts different work. कुछ समझ में आया है ना? क्या होता है कि जब एक चीज कई सारे काम करते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन आता है. जैसे आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, क्या होता है, वन वर्ड्स कैन एक्ट एज डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच. इट मींस एक वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे काफी सारे वर्ड हैं जो होते हैं नाउन के रूप में कार्य करते हैं, वही वर्ड वर्ब भी हो जाता है, सेम वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है और सेम वर्ड एडवर्ब हो जाता है. लेकिन हमें क्या किया जाता है तो उस पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन बता दिया जाता है. ए भाई, ए हो गया नाउन का डेफिनेशन, ए हो गया वर्ब का डेफिनेशन, ए हो गया एडजेक्टिव का डेफिनेशन. लेकिन उस डेफिनेशन से हमारे काम होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि मोदी जी ने हमको क्या के लिए बॉर्डर पे भेज दिए और बिना हथियार के. क्या सोच रहे हम जीतेंगे, जीत के आएंगे पाकिस्तान के साथ? बिल्कुल नहीं जीतेंगे, नहीं बिल्कुल हमारी हार ही होगा, क्योंकि लड़ने के लिए हमारे पास हथियार नहीं. बिल्कुल वैसा ही चीज. कुछ समझ में आया क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूं? क्योंकि ये चीज कहना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे चीज है जिसका हम डेफिनेशन बता दिया जाता है लेकिन उसका प्रॉपर जो है एप्लीकेशन नहीं किया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सबसे जरूरी है. बिकॉज ऑलवेज आई से फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी नीड कंसेप्ट. यू नो अगेन आई वुड लाइक टू से कंसेप्ट इज पावर, है ना? कंसेप्ट सही नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता. हमें जो एग्जाम में चाहिए उस हिसाब चलना पड़ेगा, है ना? बिकॉज ऑलवेज वन मोर थिंग दैट ऑलवेज बिलीव दैट इज व्हाट ना वी नीड, व्हाट वी नीड ट्रिक्स नॉट टिप्स, है ना? देखते हैं क्या प्रॉब्लम, क्या कंफ्यूजन रहता. मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपको एक बढ़िया चीज कहना चाह रहा हूं आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन में आता है और उसका जो वैल्यू है हर एग्जाम में रहता है. अगर आप पर्टिकुलर आप सीडीएस एग्जामिनेशन दीजिए, ओ ट्रिपल एस एस दीजिए, एएसओ में आपको डायरेक्टली उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए देता है. वहां पे कोई डेफिनेशन काम में नहीं आएगा. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक इजी वे, एक स्मॉल ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लाइफ टाइम के लिए आपका जो कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं. लेट्स सी. माइंड योर फ्रेंड्स, आपने तो सुना होगा, पढ़ा होगा, जब से आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, क्या जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनिटिव पढ़े ना? और ये ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो हर एग्जाम में आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यूज करते हैं. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर्टिकुलर इनके बीच में जो कंफ्यूजन कि हम कहां पे जेरंड लगाए, कहां पे इन्फिनिट लगाए, कहां पे एडजेक्टिव लगाए, वो कंफ्यूजन आज मैं आपका दूर करूंगा. जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है किसके बीच में, वो जेरंड और पार्टिसिपल. माइंड योर फ्रेंड्स, यू नो जेरंड इट द आई एन जी फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच एक्ट एज नाउन एंड पार्टिसिपल ऑल्सो आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब. थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना? ये देखने में जैसा है वो भी देखने में ऐसा है, है ना? एक चीज याद रखिएगा, हर धोती पहनने वाला बाबा नहीं होते हैं, है ना? ऐसा ही हर आई एन जी से लगने से वर्ब नहीं हो जाता, वही आई एन जी लगने पे एक वर्ड नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकते हैं. उसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं. देखते हैं, लेट्स सी माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट रीड द लाइंस. आज हम किसकी बातचीत करने जा रहे हैं? नंबर वन जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और क्या है, इन्फिनिटिव. क्लियर? देखते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं. थोड़ा सा सब लोग थोड़ा स्क्रीन पर देखिए और अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना? पहला क्या लिखा, भार प्लस आई एन जी. देखा, भार प्लस आई एन जी. माइंड योर फ्रेंड्स, ए भार प्लस आई एन जी ये क्या हो सकता है, भार्व हो सकते हैं,
वर प्लस आईएनजी क्या होगा? एडजेक्टिव हो सकता है और वर प्लस आईएनजी नाउन भी हो सकता है ना। तो यहां पे ये सवाल आता है मन में कि हमें कैसे पता चलेगा कब वर्ब होता है, कब नाउन होता है और कब एडजेक्टिव। बस वही प्रॉब्लम हमको दूर करना है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। कैसे? लिसन, कब वर्ब कैसे पहचानेंगे कि जो वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब होता है। ओके, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। जब, ध्यान से सुनिएगा, जब आईएनजी फॉर्म से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या हो जाएगा? वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब है। क्लियर? कंफर्म हो गए? जब, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर एनी हेल्पिंग वर्ब यूजेस बिफोर द मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ओके, एंड दैट प्लेस द वर्ब प्लस आईएनजी एक्ट एज वर्ब, नॉट एक्ट एज एडजेक्टिव एंड नाउन। क्लियर? एग्जाम्पल ले, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगा, थोड़ा सा पहले डिफाइन कर दूं। फिर से देखिए, जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन के रूप में एक्ट करते हैं उस हम क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं, है ना। कैसे ना, पहले क्लियर हो गया ना, जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वर्ब प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन के रूप में एक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? जेरंड। क्लियर? कैसे? पहले इस पॉइंट क्लियर करते हैं, है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। देखा? तो यहां देखा, आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ये रीडिंग जो आईएनजी फॉर्म लिखा है ना, तो बोलिए यहां पे ये वर्ब हुआ या नाउन हो गया? पहले इस दो चीज को क्लियर करते हैं। तो रीडिंग वर्ब हुआ ना नाउन हुआ, कैसे पता चलेगा? मैंने क्या कहा था कि अगर उस आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग और आम क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब, पढ़े तो होंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? क्योंकि आईएनजी पर लगने पर क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। भीतरी लगने पर क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सप्रेस कंटिन्यू एक्शन, पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेस कंप्लीट एक्शन। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो गया? वर्ब। देखो नाउन कैसे होता है, सी लाइक्स रीडिंग, है ना। सी सब्जेक्ट हो गया, अब देखिए लाइक्स मेन वर्ब हो गया, रीडिंग। अब बोलो ये जो आईएनजी लगा है प्रेजेंट पार्टिसिपल होके वर्ब हुआ ना नाउन होके जेरंड हुआ? क्या अब थोड़ा याद करो, क्या हो जाएगा? यस, नाउन ही होगा, क्योंकि इस रीडिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? इजामर हाजा बाहर कुछ है? नहीं है ना, तो नहीं है तो मतलब ये क्या हो गया? नाउन हो गया। जो इस तरह जो नाउन होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेरंड। क्लियर? दो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, किसके बीच में? पहला कंसेप्ट पार्टिसिपल और जेरंड के बीच में। अगर वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट एज वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर वो आईएनजी फॉर्म क्या हो गया? नाउन। क्लियर? ओके, अब वही वर्ब प्लस आईएनजी क्या हो सकता है? एडजेक्टिव हो सकता है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? एडजेक्टिव। क्लियर? देखते हैं कैसे एडजेक्टिव होता है। सी इज माई लविंग सिस्टर, सी इज माई लविंग सिस्टर। थोड़ा सा ठीक से ध्यान से एग्जाम्पल पढ़िए, सी इज माई लविंग सिस्टर। ओके, अब बोलिए आई एन जी फॉर्म कौन है? लविंग। क्या इस वर्ड लविंग से पहले, है ना, कोई हेल्पिंग वर्ब है? इजामर हाजब है? नहीं, क्योंकि ये इज तो यहां पे उसके बाद माइंड लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, वहां पे फिर ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। फिर दो चीज आता है, आइदर नाउन हो सकता है, या नाउन होगा तो जेरंड होगा या एडजेक्टिव होगा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी नाउन है, तो नाउन है तो फिर ये नाउन नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? ए आई एन जी एडजेक्ट।
थोड़ा सेंस में देखते हैं, शुरू के सेंस में देखते हैं, सी इज माई लविंग सिस्टर, वो मेरा कैसे सिस्टर ना लविंग, लविंग किसकी क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहा है, सिस्टर का, सिस्टर सेंटेंस में क्या है नाउन, जो नाउन का क्वालिटी एक्सप्रेस करता है वो क्या है एडजेक्टिव, श्योर है ना, तो फिर वो सिस्टर का क्वालिटी क्या है लविंग, तो ऐसे भी सेंस के हिसाब से एडजेक्टिव हो गया, क्लियर, ओके कंफर्म। अब जो फोर्थ चीज रहा तो क्लियर हो गया ना तीनों का डिफरेंस, फोर्थ हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जेरॉन्ड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्ट एज नाउन, ऐसा ही इन्फिनिटी द टू फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच एक्ट एज नाउन, जो इन्फिनिटी मतलब क्या होता है ना टू प्लस बी वन है ना, इसको क्या कहते हैं हम इन्फिनिटिव, ये किसके रूप में काम करते हैं ना नाउन, तो नाउन दो होता है, एक सब्जेक्ट नाउन, एक होता है क्या ऑब्जेक्ट नाउन, वर्ब से पहले हो तो सब्जेक्ट नाउन, वर्ब के बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट नाउन, क्लियर, ओके देखते हैं कुछ एग्जांपल, माइंड ऑफ फ्रेंड्स लेट सी, ऑलरेडी तो मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूं आपको, स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है उसके माध्यम से और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे, देखिए पहला एग्जांपल, सी वॉज राइटिंग ए फियन, तो यहां पर राइटिंग बोलिए आप लोग के लिए सवाल है, राइटिंग अब क्या हो जाएगा ये वर्ब ना नाउन क्या ना एडजेक्टिव, बोलिए क्या हो जाएगा वर्ब, कैसे वर्ब हो गया ना उससे पहले वॉज हेल्पिंग वर्ब, क्लियर, तो आईएनजी लगाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल यहां पर एक्ट कर रहा है किसके रूप में वर्ब रूप में, कैसे पता चला क्योंकि उसके पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा, मानस इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्लियर, तो यहां पे वर्ब जो है क्या है, यहां पे देखिए सिंगिंग पार्टिसिपल है, अब बोलिए ए आईएनजी फॉर्म क्या है वर्ब नाउन, यस कैसे पता चलेगा उससे पहले देखना है, उसके पहले क्या है इज, इज क्या है हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब है तो ये क्या हो गया ए आईएनजी फॉर्म किस रूप में काम कर रहा है वर्ब के रूप में, तो ये भी हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट एज श्योर। थर्ड एग्जांपल चलते, रोहित लाइक सिंगिंग, अब बोलो सिंगिंग क्या हो जाएगा ए आई एन जी फॉर्म, ए वर्ब होगा ना नाउन होगा, क्योंकि ऑलरेडी तो वर्ब्स है तो इसका मतलब वर्ब नहीं है, और दो चीज बचा पार्टिसिपल क्या हो सकता है एडजेक्टिव हो सकता है नाउन हो सकता है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया नाउन ही होगा, ये तो किसी की क्वालिटी नहीं बता रहे, तो यहां पे आईएनजी क्या हो गया नाउन, ऐसे जो नाउन होता है उसको क्या कहते हैं जेरंड है ना, कहते हैं एक मेन वर्ब के बाद और एक मेन वर्ब नहीं आ सकता है, अगर दो मेन वर्ब आएगा तो बीच में कुछ कंजक्शन लगेगा, श्योर, तो मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए ऑब्जेक्ट नाउन चाहिए है ना, तो ऑब्जेक्ट नाउन करने के लिए वो मेन वर्ब पे क्या आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ये क्या हो गया नाउन, जो नाउन हुआ आईएनजी बन के नाउन बनता है उसके क्या कहते हैं जर्म। अब बोलो यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या हो जाएगा माइंड, बोलिए दोस्तों बोलिए स्मोकिंग किससे पहले है स्टार्टिंग से स्मोकिंग लगा है, तो इसका मतलब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो नहीं है तो क्या है तो वर्ब नहीं है क्योंकि हेल्पिंग होना चाहिए बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद क्या है कॉजेस, कॉजेस तो वर्ब है, वर्ब से पहले एडजेक्टिव नहीं होता है, इसका मतलब ये भी नाउन है, तो नाउन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे जेरॉन, क्लियर। अब क्लियर हो गया ना, नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, हमारी जो काम है बस वही आईएनजी फॉर्म में है ना पूरा सेंटेंस में, अब बोलिए आपके लिए सवाल है दोस्तों, बोलिए ये आईएनजी फॉर्म क्या होगा नाउन वर्ब एडजेक्टिव क्या होगा देखते हैं। अब देखो वर्ब तो बिल्कुल नहीं क्योंकि यहां हेल्पिंग वर्ब है, अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होता तो वर्ब होता, इसका आंसर कंफर्म हो गया, क्लियर। अब वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, इंटरेस्टिंग तो नाउन ही नहीं हो सकता क्योंकि नाउन से पहले कभी एडवर्ब नहीं लगता, आज यू नो द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव एंड होल सेंटेंस, कभी नाउन को क्वालिफाई नहीं करता, इसका मतलब नाउन से पहले एडवर्ब यूज नहीं हो सकता, श्योर, तो फिर क्या हो गया, फिर तो डिस्ट्रिक्ट बाई इंज हो गया, तो फिर अगर नाउन नहीं हो रहा है वर्ब नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया एडजेक्टिव, श्योर। और एक तरह भी देख सकते हैं सेंस के हिसाब से, इंटरेस्टिंग कौन है, क्या इंटरेस्टिंग है मूवी, मूवी सेंटेंस में क्या है नाउन, नाउन को जो क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या है एडजेक्टिव, तो ऐसे भी एडजेक्टिव हो गया, क्लियर। वन मोर एग्जाम्पल,
I stop the moving boss. फिर ing moving, ये क्या हो जाएगा? बोलिए. First point, verb नहीं है क्योंकि helping verb नहीं. Clear? Sure. अब दो चीज बचा है. Either participle होगा, adjective होगा या noun होगा. लेकिन already in boss है, noun से पहले कभी noun नहीं आएगा. इसका मतलब noun नहीं, noun होता तो क्या होता? Gerund. तो फिर ये क्या हो गया? Adjective. Clear? अब सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता नहीं. हर कोई कोई YouTube चैनल पे कोई ना कोई कहता भाई सेंटेंस समझो, अच्छी तरह पढ़ो. भाई पढ़ने समझने की आवश्यकता नहीं है. कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकल लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा. तो हो गया ना एडजेक्ट. अब थोड़ा सेंस में हिसाब, उनके सेंस के हिसाब से लेते हैं. आई स्टॉप द मूविंग बॉस. मूविंग किसके लिए लगा है? बॉस के लिए. मूविंग व्हाट? बॉस. बॉस क्या है सेंटेंस में? नाउन. नाउन का जो क्वालिटी बताते वो कौन है? एडजेक्टिव हो गया. ऐसे भी क्लियर. ओके, चलते नेक्स्ट एग्जांपल की ओर. सलमान खान शॉट द रनिंग डॉग. ऐसा ही बिल्कुल सेम एग्जांपल आज इसका पहला वाला जैसा है. रनिंग बस हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इसका मतलब वर्ब नहीं है. श्योर. दूसरा चीज क्या है? डियर ऑलरेडी नाउन है, मतलब ये भी नाउन नहीं होगा. फिर नाउन से पहले क्या रहता है? एडजेक्टिव. रनिंग वही आई एन जी भी क्या हो गया? एडजेक्टिव. क्लियर हो गया. तो इन्फिनिटी का कोई तो प्रॉब्लम नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सबको अच्छा ही लगा होगा और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप एग्जाम में यूज करिएगा और 100% बेनिफिट पाइएगा. थैंक यू सो मच.